ब्रेक के बाद स्वागत है। जांजगीर से एक बड़ी खबर आपको दे दें, नशीली दवाओं की बिक्री पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। दवा बिक्री के आरोप में दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। नारकोटिक्स एक्ट के तहत इनको जेल भेज दिया। 155 नग नशीली दवा भी जब्त हुई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जांजगीर से नशीली दवाओं की बिक्री पर शिकंजा कसते हुए दवा बेचने वाले दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। नारकोटिक्स एक्ट के तहत उनको जेल भेजा है। राजकुमार साहू हमारे सहयोगी में जुड़ गए हैं। राजकुमार बताएं कार्रवाई के बारे में। देखिए पुनीत, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें पुलिस को ये खबर मिली थी कि पुरानी बस्ती में एक युवक के द्वारा नशीली टेबलेट की बिक्री की जाती है, जिसके बाद से पुलिस ने राजू कहरा नाम के व्यक्ति को पकड़ा। उसके फिर 110 नशीली टेबलेट पुलिस ने बरामद किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दुर्गा मेडिकल के संचालक जो आनंद सिंह है, उसके द्वारा ये नकली टैबलेट की बिक्री की जाती है। और उसके बाद जब पुलिस ने मेडिकल दुकान पर जाकर के दबिश दी तो वहां पर भी 45 नकली टैबलेट मिला। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने इस मामले में 155 नकली टैबलेट जब्त किया। और इस मामले में नारकोटिक्स एक्ट की धारा 21 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है पुनीत की एसपी ने जो दुकान के संचालक है, मेडिकल संचालक, उसके लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी जिला दंडाधिकारी को पत्र भेजने की बात कही है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के। तो हमारे सहयोगी राजकुमार साहू बता रहे थे, सिटी कोतवाली पुलिस ने एक्शन लिया और नशे के सौदागरों के ऊपर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। दो आरोपी मामले में गिरफ्तार हुए हैं।